आगर मालवा सातवीं के आर्थिक गणना 2019 की जागरूकता रैली निकाली गई। सातवीं आर्थिक गणना 2019 के प्रचार प्रसार हेतु आगर शहर में भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय आगर मालवा से बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली को अपर कलेक्टर श्री एनएस राजावत तथा जिला योजना तथा सांख्यिकीय अधिकारी श्री सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। रैली का संचालन कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक नरेंद्र सिंह रावत तथा आकिब जफर ने किया। यह बाइक रैली कलेक्टर कार्यालय से होकर छावनी, गोपाल मंदिर, तहसील चौराहा, बस स्टैंड होते हुए वापस कलेक्टर परिसर में समाप्त हुई। इस सातवीं आर्थिक गणना में जिले के हर एक घर तथा स्थायी एवं अस्थायी दुकानों का सर्वे कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा किया जाएगा। आगर से संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो सातवीं आर्थिक गणना 2019 जो होने की है, इसका पूरा काम कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा होना है। तो इसके प्रसार एवं प्रचार के लिए हमने आज आगर कलेक्ट्रेट से रैली निकाली गई है। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर अपर कलेक्टर तथा सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को निकाला था, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस कलेक्टर परिसर में समाप्त हुई। आपको ध्यान हो कि भारत सरकार के सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा यहाँ कार्य किया जाना है। उसी उद्देश्य से जागरूकता को लेकर आज रैली निकाली गई है।